हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि आपको वर्क प्लेस पर कौन कौन सी गलतियां करने से हमेशा बचना चाहिए। मतलब जब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी जॉब पर जाते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके वर्क एफिशिएंसी पर इसका असर पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस पर इसका असर पड़ता है और आपकी प्रमोशन में ये चीज़ें रास्ते आ सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इस पॉइंट को कैसे समझेंगे, मान लीजिए आप किसी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो शुरू के महीनों में सबकी नज़रें आप पर होती हैं कि आप अपना जॉब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आप उन सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं जिन पॉइंट्स पर आपको जॉब दी गई है। देखिए, थोड़ा बहुत नए एम्प्लॉय के साथ फ्लेक्सिबिलिटी हर कंपनी दिखाती है, बट आपको उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके परमानेंट होने पर आएगा, या जब आप उस कंपनी के लिए प्रमोशन के लिए जाएंगे तब वहाँ पर मैनेजमेंट आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी दी थी एडजस्ट होने के लिए आपने उसका मिसयूज़ किया। तो याद रखिए कि सबसे पहली बात कि आप जिस भी ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर आपको किसी भी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा नहीं के बराबर उठाना है, ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि आप ऑफिस टाइम पे ना पहुँचे तो उसका प्रॉपर रीज़न बताइए, बिल्कुल उसको प्रूफ करके दिखाइए कि हाँ आप पर्टिकुलर इस वजह से ये इशू आया था। लेकिन जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पर आप कर सकते थे पर आपने नहीं किया, तो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं कीजिए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर दो की, पिछली नौकरी के बारे में कभी भी बात करने से बचें। देखिए, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर अपनी पुरानी कंपनी को लेकर बातें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा वहाँ के किस्से वगैरह नहीं सुनाने चाहिए या वहाँ की कुछ डींगे नहीं आँकनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप नए नए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन होते हैं तो हर एक कंपनी एम्प्लॉई, आपका कलीग, आपका मैनेजमेंट आप पर नज़रें रखता है कि आप अपना काम कैसे कर पा रहे हैं, क्या आप इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर खुश हैं, क्या आप अपने काम को करने के लिए एफिशिएंसी दिखा पा रहे हैं, क्या आप सुटेबल हैं इस जॉब के लिए। तो आपका पूरा फोकस अपने जॉब वर्क पर होना चाहिए, अपने जितने भी टास्क आपको दिए जा रहे हैं उन पर होना चाहिए, बजाय कि आप पुरानी कंपनी के बारे में चीज़ें बताएं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि पुरानी कंपनी या मैनेजर की बुराइयां भी करना शुरू कर देते हैं, बट इससे कंपनी पे जो आप छोड़ के आए हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आपके इंप्रेशन पे पड़ रहा है कि आप जिस कंपनी में इतने साल थे वहाँ से आप जब आए हो तो अब आप वहाँ की बुराइयाँ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जब आप इस कंपनी से प्रमोट होकर आगे जाएंगे या इस कंपनी से किसी दूसरी कंपनी जाएंगे तो हो सकता है आप इस कंपनी के बारे में भी यही सोच रखेंगे। सो कभी भी आप नई जॉब पर जाते समय पुरानी कंपनी के बारे में ना डिस्कस करें। हाँ, आपको बताना है तो ये बता सकते हैं उसकी पॉजिटिव बातें, जैसे आपने वहाँ क्या सीखा, कैसे एनवायरमेंट में आप काम करते थे, ठीक है, बट बुराइयाँ या नेगेटिव बातें कभी भी आपको वहाँ पर नहीं लेकर आनी है। बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की, किसी भी तरीके की आलोचना करने से बचें। देखिए, क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर शुरू में एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है, बहुत धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको लोगों से धीरे 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 घुलना मिलना होता है। जल्दी घुलने मिलने के चक्कर में आप किसी एम्प्लॉय से, किसी दूसरे एम्प्लॉय की कभी भी बुराई मत कीजिए, उसकी आलोचना मत कीजिए, इससे आपके इम्पैक्ट ख़राब होता है और आप कंपनी में एक अपनी इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा हमेशा किसी ना किसी लोगों के पीछे पड़ा रहता है या पड़ी रहती है। सो आप ये देखिए कि आपको अगर लोगों से घुलना मिलना है तो आप पॉजिटिव बातों के साथ घुलिए मिलिए, ना कि किसी की बुराइयां करके या आलोचना करके। हो सकता है कि आप इस लेवल तक आलोचना करने लगें कि हो सकता है आपको उस नौकरी से हाथ भी धोना पड़ जाए, तो आलोचना करने से भी आपको बचना चाहिए। पर्सनल लाइफ की बातें शेयर करने से बचें। कभी भी आप जब वर्क प्लेस पर होते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल बातों के बारे में बातें नहीं करनी है। जब तक कोई आपसे सीरियसली या बहुत क्लोज होने के बाद ना पूछे तब तक आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है सामने वाले पर कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप जिस तरीके से अपने एम्प्लॉय को अपनी फैमिली के बारे में एक्सपोज करते रहेंगे उतना ही आप एक्सपोज होते रहेंगे बाकी सारे स्टाफ के साथ, तो सब लोग आपकी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। तो जितना कोशिश हो सके आपको अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करने से भी बचना चाहिए। चलिए बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर पाँच की, जितने भी आपके सहकर्मी हैं उनके साथ थोड़ा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए।
देखिए क्या होता है कि जब भी आप वर्क प्लेस पर होते हैं तो वहाँ पर कई बार आपके साथ के एम्प्लॉई, आपके कलीग, सहकर्मी आपको चाय पीने के लिए या छोटे मोटे इवेंट के लिए ले जाना चाहते हैं, तो आप उनकी पेशकश को ठुकराए नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लें और उसे एंजॉय करें। इससे क्या होता है कि एक दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है या सहकर्मियों की आपस में बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। कभी भी ये मत सोचिए कि ये सामने वाला कर्मचारी मुझे बुला रहा है तो हो सकता है ये मेरा कुछ एडवांटेज लेने के लिए करो या कुछ मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। हमेशा इस चीज़ पे फोकस मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम एम्प्लॉयज़ के साथ भी स्पेंड कीजिए, थोड़ा मिलिए जुलिए। इससे क्या होता है कि आप एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, आज इन 5 पॉइंट्स के जरिए मैंने आपको उन सारे पॉइंट्स को बताया है जो आपको कभी भी किसी वर्क प्लेस पर नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन आप अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और आप अगर HTML5 का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो Udemy प्लेटफॉर्म पर, जो कि ऑनलाइन ग्लोबल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको HTML5 का सर्टिफिकेशन कोर्स का मिल जाएगा। वहाँ से आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके एक बार चेक कीजिए। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।